हलवा बनाए देंगे। हाँ तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इसमें हम लोग का नुकसान ही नुकसान इसमें हो गया। दर्रा बनाइए तब तक हम जा रहे हैं बाबू को देखने के लिए, जाइए है ना। हाँ। और इसी से अपना खाना पीना नहाना धोना का काम जो है अपना करते हैं। क्या कर रही है, खेल रही है कि रो रही है? हेलो दोस्तों, हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल रंगीला फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों हम अभी आए हैं इधर झरना तरफ, तो देखे कि बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मौसम बनाया हुआ है, तो सोचे कि क्यों ना आज की ब्लॉग की शुरुआत इसी खूबसूरत मौसम के साथ किया जाए। तो दोस्तों ये झरना जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा पहले कुआं हुआ करता था। तो दोस्तों एक दिन इतना ज़बरदस्त बारिश हुआ कि पूरा पहाड़ का जो है मिट्टी धंसा दिया, और देखिए ये जो नाला दिखाई दे रहा है इधर पूरा पहाड़ का जो पानी इसी कुआं के अंदर में आ गया, और दोनों साइड का जो मिट्टी आपको धंसा हुआ दिखाई दे रहा है ये सारा मिट्टी और कंकड़ पत्थर कुएं के अंदर में धंसा दिया और इसको समतल कर दिया। तब से दोस्तों इसी झरना को जो है हम लोग थोड़ा सा मिट्टी को हटा दिए और डोभा जैसा कर दिया, और इसी से अपना खाना पीना नहाना धोना का काम जो है अपना करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब घर की ओर, क्योंकि बहुत ही काफ़ी समय हमारा इधर हो चुका है। अब उधर कविता जी को भी देखना होगा कि उधर बाबू मुनि लोग उसको तंग कर रहा है क्या, क्योंकि उसको खाना पीना बनाने नहीं देगा अगर नहीं जाएंगे तो। तो हम चलते हैं अब घर की ओर। दोस्तों ये जो जंगल आप लोग देख रहे हैं ये जंगल के किनारे ही हमारा घर है। देखिए दोस्तों ये जो इधर आपका बाड़ी जो दिखाई दे रहा है जोता हुआ ये हमारा ही, ये हमारा बाड़ी है। और उधर नीचे देखिए हमारा तालाब है। तो ये पूरा बारिश रात में इतना जम कर हुआ कि पूरा जो है रात में ये पहाड़ का जो पानी है पूरा आया और यहाँ पर तालाब को भी धंसा दिया। हम लोग रात का समय था तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इसमें हम लोग का नुकसान ही नुकसान इसमें हो गया, क्या कि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और पूरा देखिए ये गड्ढा जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा गड्ढा को का मिट्टी जो है पूरा तालाब में धंसा दिया और ये बारी को भी खराब कर दिया। दोस्तों घर पहुंच गए हैं हम। किधर गए जी? क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगा रहे हैं। देखिए इधर मुनि रो रही है। ओ नन्हे लक्ष्मी क्या कर रही है, खेल रही है कि रो रही है? पूरा खेल रही है ना। देखिए नूनी खेल रही है और इधर साइड साइड में टेका दिया हुआ है नूनी के लिए ताकि ये गिरेगी नहीं, और नहीं तो ये गिर जाती है, ये इतना पलटती है ना कि ये गिरने लगती है, इसलिए इसको साइड साइड में इसको टेका दे दिए हैं तकिया का ताकि ये गिरेगी नहीं। और आपका झाड़ू लगाया हुआ हो गया जी? हाँ इसको झाड़ू लगा लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। और क्या बनाया है नाश्ता में आज? अच्छा अभी बनाइएगा ना। हाँ। तो क्या चीज़ बनाइएगा आज? अच्छा दर्रा का हलवा बनाइएगा। हाँ। अच्छा ठीक है, तो इसको झाड़ू लगा लीजिए और दर्रा का हलवा बना दीजिए। हाँ। ताकि उसको नाश्ता पानी करेंगे, कहे कि अभी उधर से मुँह कान धो के आए हैं झरना तरफ से। हाँ। ठीक है, बाबू किधर गया? खेलने गया। अच्छा खेलने चला गया है। अच्छा ठीक है, उधर से वो भी आएगा फिर, अभी कुछ ना कुछ खाने के लिए खोजेगा। तो दर्रा बना के उसको रेडी करके रख दीजिए, हम लोग भी खाएंगे बाबू भी खाएगा। हाँ। है ना। हाँ। तो उसको बाहर रेडी कर लिए, तब तक हम इधर आग जला दे रहे हैं चूल्हा में। हाँ। है ना। हाँ। हम इधर चूल्हा में आग जला दे रहे हैं, आप उधर झाड़ू लगाया हुआ आपका भी हो ही गया। हाँ। तब तक आप उधर का रेडी कीजिए, हम इधर चूल्हा में आग जला दे रहे हैं। ठीक अजी मुनि फिर रोने लगी है, तब तक हम इधर जलाने जा रहे हैं, तब तक आप मुनि को जाइए उसको चुप कीजिए। देखिए पूरा रोने लगी है। ठीक है जाइए मुनि को चुप कीजिए पहले। देखिए मुनि पूरा रोने लगी। देखिए जाते जाते मुनि जो है मम्मी का जाते जाते पूरा यह रोना बंद कर दिए। खेलो बेटी खेलो खेलो खेलो। अच्छा थोड़ा सा चुप कर लीजिए जी, कहा कि अभी बहुत अति से अभी रो रही थी, अभी इसको पहले इसको चुप कीजिए, थोड़ा सा गोदी ले लीजिए इसको। ठीक है तब तक हम इधर आग जलाने जा रहे हैं। हाँ।
ठीक है ठीक, हम तब तक इधर हम चूल्हा में आग जला दे रहे हैं, ठीक है ठीक। इसको मुनि को चुप करने के बाद में आप दर्रा और इधर चीनी वगैरह सब लेके आइएगा, हम इधर जला के रेडी रखते हैं। आग जल के रेडी हो गया जी, आ रहे हैं। देखिए आग जल गया, कड़ाही धो लिए हैं। हाँ। चला दीजिए। उधर बकरी देखिए आ गया है सर, उसको दे दीजिए तो मार पानी। देखिए उधर बकरी दिख रही है, जा रहे हैं आने के लिए। पहले मड़वा लेके आइए। थोड़ा सा नमक नहीं डाल दिए? दे दे। हाँ थोड़ा सा नमक दे दीजिएगा तब ना पिएगी। देखिए बारिश भी होने लगा, बारिश का आवाज सुनाई दे रहा है। नहीं डर नहीं है, ये थोड़ा सा नमक दे देने से ही पिएगी, और नहीं तो थोड़ा सा नमक दे के छोड़ दीजिए, वो अपने आएगी और पिएगी। चलिए सब अति सब ले आइए, दर्रा सब पानी आने लगा, फिर दिक्कत होगा। फिर बाबू किधर खेल रहा है उसको भी देखने जाना होगा, वो अभी पानी में भींग जाएगा। दर्रा बनाइए तब तक हम जा रहे हैं बाबू को देखने के लिए, जाइए है ना। हाँ। ठीक है, दर्रा बना के रेडी रखिए, हम आ रहे हैं बाबू को लेकर के। कहाँ गया है बाबू? देखिए पूरा बारिश हो रहा है, पूरा बाहर में बारिश दिखाई दे रहा है, पूरा घना बादल भी छाया हुआ है। देखिए आग जलाए थे, देखिए नींजा गया होगा, बुत गया, उसको फूकिया। मैं जलने लगा, ठीक है तो बनाइए, हम देखते हैं बाबू को, बाबू किधर है, है ना। ठीक हम देखने जा रहे हैं, पूरा बारिश हो रहा है। तो दोस्तों देखिए पूरा इधर बारिश हो रहा है और बाबू भी इधर ही आया है खेलने के लिए। मम्मी इसका बोल रही थी कि इधर ही इसको भेजे हैं खेलने के लिए, वो आया हुआ था अपने ही, तो देख रहे हैं तो अभी इधर तो कहीं नहीं बाबू अभी दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं घर तरफ, हो सकता है घर चला गया होगा, अब जा रहे हैं घर की तरफ। और अभी बारिश भी का मौसम भी बहुत भयानक बनाया हुआ है, पूरा घना बादल छाया हुआ है, तो हो सकता है घना बहुत भयानक बारिश होगा, तो किधर चला गया उसको देखना होगा। तो घर जाके उसको पूछते हैं कविता जी की इधर उसको भेजी थी खेलने के लिए। दोस्तों घर तो हम पहुंच गए, तो बाबू आ गया क्या जी? हाँ। इधर तो नहीं मिला है, देखो बाबू पूरा तो बाबू इधर पहले आ गया है। हाँ। कहा उधर खेलने गया था बाबू? हाँ, अच्छा उधर गए थे, क्या बोलते हैं ये जो बासर का पेड़ जो दिखाई दे रहा है ना। हाँ।
उधर ही गए थे देखने के लिए, तो कहाँ उधर बाबू नहीं मिला, बाबू इधर से आया। हाँ। अच्छा, ओ अभी बाबू ऐसी खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है ना। हाँ। अच्छा, मुनी भी पूरा ये कर रही है, मुनी भी पूरा बढ़िया से खेल रही है, बाबू भी इधर। हाँ, उसको खेलाओ बाबू, ठीक ना बाबू, मुनी को खिलाना है ना। हाँ देखो, उठा रही है वो, उसको खिलाना बढ़िया से। और दर्रा बन गया जी? बन गया। हाँ चलिए दीजिए, बन गया था। ये आप भी नाश्ता कर लीजिए। हाय मुनी। हाय मुनी। मुनी ये तो खाना खोजती है। खाना खोजती है। हाँ खाएगी ना। ठीक, मुनी को भी खिला दीजिए। लेकिन धोखे आ गया। ठीक है, तो आओ खाओ, आओ खाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नीचे बाबू बैठ के खाओ, इधर नीचे बैठ के खाओ। ठीक, ठोक के खा। तो मुनी भी खा रही है बढ़िया ना। हाँ। ठीक है दोस्तों, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।